Hi everybody, today we are going to discuss about the spider bite, yani ke makri ka kaatna. Although every spider is not poisonous, har ek makri jo hai wo aapka poisonous nahi hoti hai, yani ke zehreeli nahi hoti hai. Every spider is not poisonous. नोट पॉइजनस, यहां पर जो पॉइजनस आपका स्पाइडर होती है वो आपका ब्लैक विडोज, यानी कि पॉइजनस स्पाइडर्स आर ब्लैक विडोज के नाम से एंड ब्राउन रेक्लूसेस. पॉइजनस स्पाइडर्स जो है आपका वो आपका ब्लैक विडोज एंड ब्राउन रेक्लूसेस नाम की जो स्पाइडर होती है वो पॉइजनस होती है. और ये जो स्पाइडर होती है, देखिए कहां रहती है, किस जगह पर अपना ये जो जाला है वो बनाती है. देखिए मोस्टली ऐसी जगह पर बनाती है जो अनडिस्टर्ब्ड एरिया. मकड़ी मोस्टली जनरली कहां रहती है, वो रहती है जहां पर उनको कोई डिस्टर्ब ना करें, यानी कि अनडिस्टर्ब्ड एरिया जो है उन जगहों पर ये अपना जाला बनाती है. जैसे आपका रूफ ऑफ रूम, किसी भी कमरे की छत या जो शेड होता है, शेड्स ETC, वहां पर जो है आपका अपनी जो है जाला बनाती है और ये वहां पर लाइव रहती है. देखिए ये कभी भी खुद स्टिंग नहीं करती है जब तक उनको प्रोवोक ना किया जाए, जब तक उनको छेड़ा ना जाए. और वहां पर भी ये कि उसको ये लगने लगे कि अब हमारी जान को खतरा है, यानी कि जब तक उसे जान का कोई खतरा नहीं होता है, स्पाइडर्स को जब तक लाइफ थ्रेटनिंग ना मिले, यानी कि उसको जान का कोई खतरा ना हो, तब तक वो किसी को बाइट नहीं करती है. और बाइट करने के बाद जो साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स, देखिए साइंस एंड सिम्टम्स में आपका वहां पर स्किन के ऊपर जो है आपका क्या होगा, स्किन रेडनेस और आपका स्वेलिंग अराउंड द बाइट. जिस साइट पर जो है आपका बाइट हुआ है वहां पर जो है रेडनेस मिलेगी और जो है आपका स्वेलिंग जो है देखने को मिलती है. और आपका हाइव्स, यानी कि कहीं कहीं पर देखा गया है कि वहां पर अर्टिकेरिया भी अपीयर हो जाता है, पित्त जैसा उछलना, अर्टिकेरिया, पित्त उछलता है इंसान को. कुछ वक्त बाद जो है जो ज्यादा पॉइजनस आपका स्पाइडर होती है वहां पर जो है आपका ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स जो है वो आपका फॉर्म हो जाते हैं, छोटे छोटे जो है आपका छाले से जो है आपका पड़ जाते हैं, स्मॉल बम्प्स लाइक पिंपल्स. जैसे पिंपल्स होते हैं उस तरह के जो निशानात हैं, उस तरह के जो बम्प्स है वो अपियर हो जाते हैं बाइट मार्क्स के आसपास. और धीरे धीरे वो जो है फिर पूरी बॉडी पर भी फैल सकते हैं. वहां पर ईचिंग भी आपको मिलेगी, ईचिंग देखिए लोकली भी, शुरुआत में तो लोकली होगी लेकिन बाद में वो इंक्रीज होके आपका पूरी बॉडी पर बढ़ सकती है. तो ईचिंग ऑन हॉल बॉडी, यानी कि जो ज्यादा पॉइजनस स्पाइडर होगी वो साइट पर तो ईचिंग होगी लेकिन उसके बाद जो है वो अगर बहुत ज्यादा पॉइजनस है तो वो धीरे धीरे दूसरी साइट्स पर जो है बॉडी की बढ़ जाती है. इसमें ब्लिस्टर जो होता है वो ब्लिस्टर कैसा होता है, बीच में से व्हाइट पैचेस दिखाई देगा लेकिन उसके सराउंड्स में या तो ब्लू कलर की या पर्पल कलर की रिंग बन जाएगी. इनिशियल स्टेज में आपका क्या होगा, ब्लिस्टर जो है वो आपका सराउंड होता है, सराउंड विद ब्लूश और पर्पल कलर रिंग के जरिए जो है वो घिरा हुआ दिखाई देता है और वो देखने में ऐसा लगता है जैसे आईज ऑफ बुल, यानी कि लाइक बुल्स आई,
बुल्स आई। जैसे बुल की आंख होती है तो उस तरह की जो है वहां पर वो शेप उसकी दिखाई देती है। व्हेन इट बिकम सीरियस, जब ये सीरियस हो जाता है, इन सीवियर केसेस, सीवियर केसेस में देखिए क्या हुआ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में परेशानी होने लगेगी, और ड्रॉपी आई, ड्रॉपी, ड्रॉपी और स्वेल्ड आई, स्वेल्ड आई, आंखें जो है आपका या तो स्वेल हो जाएंगी या अपर लिड जो है वो ड्रॉप हो जाती है, नीचे की तरफ को अपने ढल जाती है। मोर सेलाइवेशन, मोर सेलाइवेशन, यानी कि सेलाइवा का जो प्रोडक्शन है, सेलाइवा का प्रोडक्शन जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, और इसके साथ साथ जो है आपका पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, पेनफुल मसल्स क्रैम्प, पेनफुल मसल्स क्रैम्प्स होंगे, और स्टिफनेस इन स्टोमक, शोल्डर, शोल्डर, बैक, ईटीसी, वहां की जो मसल्स वगैरह है वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाएंगी और जो है आपका पेनफुल क्रैम्प्स जो है वहां देखने को मिलेंगे। प्रोफ्यूज स्वीटिंग, प्रोफ्यूज स्वीटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आने लगेगा। ये भी साइन सिम्टम्स जो है बढ़ते जाएंगे तो पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो आपका इच होने लगेगी, खारिश होने लगेगी। वेरी सीरियस ये कब होता है, यानी कि जो ब्लिस्टर्स इस पर फॉर्म हुए हैं, जो ब्लिस्टर वहां पर पड़े हैं, तो इनिशियल स्टेज में क्या होगा, इनिशियली वे उनका जो सेंटर होगा वो पेल होगा, सेंटर पेल होगा, फिर जैसे जैसे इंफेक्शन बढ़ेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका ब्लूश या पर्पल कलर में या ब्लैक कलर में, कन्वर्ट इनटू ब्लूश और ब्लैक जो सेंटर है आपका ब्लिस्टर का, वो शुरुआत में कैसा होगा, पेल होगा, पीला होगा, हल्का पीला होगा, लेकिन बाद में जो है वो आपका ब्लूश या ब्लैक जो है आपका हो जाता है। उसके बाद जो है वो स्क्रैप जब हटती है तो वहां पर जो है आपका फिर आपका फॉर्म द अल्सर, फिर वहां पर अल्सर फॉर्म हो जाता है, और अल्सर फॉर्म होने के बाद अल्सर के चारों तरफ की जो स्किन होगी वो ड्राई हो जाती है, स्किन ड्राई अराउंड द अल्सर, स्किन ड्राई अराउंड द अल्सर, ये आपका साइन सिम्टम्स जो है वहां पर अपीयर होते हैं। होम रेमेडी, इनके अप टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्टर, जब तक डॉक्टर आपको अवेलेबल नहीं होता है तब तक जो है आप होम रेमेडी के तौर पर क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि उसको वॉश कर दीजिएगा, वॉश द एरिया विद माइल्ड सोप एंड वाटर, माइल्ड सोप एंड वाटर, 15 मिनट तक तकरीबन जो है आप उसको किससे, साबुन से और पानी से वो अच्छी तरह से वॉश कर दीजिएगा, और फिर उसके ऊपर अप्लाई आइस, अप्लाई आइस, उसके ऊपर आइस जो है, बर्फ जो है वो आप लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ मुमकिन अगर हो, इफ पॉसिबल, एलिवेट द एरिया, एलिवेट द एरिया, उस एरिया को थोड़ा सा ऊपर उठा दे, अगर पॉसिबल हो तो उस एरिया को थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिएगा, और एक बात ध्यान रखिए कि नो स्क्रैच, वहां पर स्क्रैचिंग ना करिएगा, क्योंकि इससे वो जो वेनम है स्पाइडर का वेनम, वो दूसरी जगह पर भी लगेगा और वहां पर भी इंफेक्शन जो है वो पैदा कर देगा। तो यहां पर ये याद रखिएगा, नो स्क्रैच, पेशेंट को पेन हो रहा है
अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर आप जो है एनाल्जेसिक ले सकते हैं, एनाल्जेसिक वहां से आप ओवर द काउंटर किसी भी मेडिकल स्टोर वगैरह से आप ओवर द काउंटर एनाल्जेसिक ले सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा जेल अगर है, एलोवेरा जेल उस साइट पर लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल ना हो तो आपका कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां एक चीज का ध्यान रखना है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट, यानी कि उस एरिया पर डस्ट वगैरह ना लगे। उसके बाद इसके अलावा जो है आपका मिल्क ऑफ कैलेट्रोपिस भी, मिल्क ऑफ कैलेट्रोपिस उस साइट पर लगा सकते हैं, यानी कि आंखें का दूध वगैरह वो उसके इफेक्ट को कम कर देगा। या आपका सॉप बेरी यानी कि रीठा जो होता है आपका, रीठे को पानी में घिस के उस साइट पर लगा दीजिए तो उससे भी उसका पॉइजनस इफेक्ट जो है वो आपका कम हो जाएगा। और एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट, किसी भी पॉइजनस इंसेक्ट के या पॉइजनस एनिमल के बाइट पर एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है लेडम 200। एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट लेडम 200 जो है आपका 4-5 ग्रेन्यूल्स या 2-3 ड्रॉप्स 4-5 टाइम्स ये आप पेशेंट को दीजिए तो उससे काफी हद तक जो है वो रिलीफ मिलता है। अप्लाई करने के लिए आप उस जगह पर जो है क्या न्यूस्पोरिन ऑइंटमेंट जो है आप लगा सकते हैं और एंटी एलर्जिक के तौर पर जो है आपका या एंटी हिस्टामिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी हिस्टामिन आप उसको दीजिए, एंटी हिस्टामिन में आपका इसमें जैसे सिट्राजिन है या डायफेनहाइड्रामिन है, ये एंटी हिस्टामिन जो है आप उसको यूज करा सकते हैं। और अगर पेन हो रहा है तो पेन रिलीवर के तौर पर आप उसको एनाल्जेसिक का इस्तेमाल कराइए। तो ये था आपका स्पाइडर बाइट। जनरली एक बार फिर बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं कि स्पाइडर बाइट जो है ना कि मकड़ी का काटना, देखिए हर एक मकड़ी जो है, हर एक स्पाइडर जो है वो पॉइजनस नहीं होती है, लेकिन जो पॉइजनस होती है जब अपना बाइट करती है तो उसका इफेक्ट होता है। तो जो पॉइजनस बाइट होती है वो जनरली ब्लैक विडोज एंड ब्राउन क्रिसलिस नाम की जो स्पाइडर होती है वो पॉइजनस मानी जाती है। और ये जो आपका स्पाइडर्स है वो उन एरियाज में रहते हैं जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करें, यानी कि अनडिस्टर्ब एरियाज में वो रहती है जहां पर उनको कोई छेड़छाड़ ना करे, जैसे आपका छत होती है या कोई शेडो वगैरह है या कोई दूर अंधेरा सा जगह है उस साइट पर जो है ये अपने आप रहती है, यानी कि अनडिस्टर्ब एरिया के अंदर ये रहती है। और ये जब तक इनको लाइफ थ्रेटनिंग ना हो, यानी कि इनको अपनी जान का खतरा हो तब तक ये नहीं काटती, जब तक इनको अपनी जान का खतरा नहीं होता तब तक ये नहीं काटती है, अवॉइड करती है। तो अब जब साइन सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जैसे ये बाइट करेगी, बाइट करने के बाद जो है आपका स्किन रेडनेस स्वेलिंग अराउंड द बाइट, जहां पर बाइट हुआ है वहां पर जो है रेडनेस होगा और वहां जो है आपका स्वेलिंग होगी और वो एरिया जो है पहले उस एरिया पर इचिंग होगी। और इसके साथ साथ जैसे अर्टिकेरिया होता है, जैसे पित्त उछलता है, उस तरह के जो है निशानात बॉडी के ऊपर मिलेंगे और उसके बाद वहां पर ब्लिस्टर फॉर्म हो सकता है। जब ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है तो ब्लिस्टर फॉर्म जो है वो घिरा रहता है, यानी कि ब्लिस्टर जो वहां पर फॉर्म होता है वो उसके चारों तरफ जो है आपका ब्लूश लाइन या पर्पल लाइन सी होती है, वो देखने में ऐसी लगती है जैसे आई ऑफ बुल, बुल की जो आंख होती है यानी कि सांड की जो आंख होती है, उस तरह की आपको ये ब्लिस्टर जो है वहां पर देखने को मिलता है। इच पहले उस साइट पर होगी इचिंग जो है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो पूरी बॉडी के ऊपर इचिंग बढ़ जाती है। इन सीवियर केसेस में क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, ड्रॉपी और स्वेलिंग आई होगी, हेडेक होगा, हेडेक भी होता है इसमें, हेडेक और जब और ज्यादा सीवियरिटी बढ़ती है तो वहां पर फीवर चिल भी देखने को मिलता है, इनके ठंड भी देखने को मिलती है, मोर सेलाइवेशन यानी कि सेलाइवा का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, पेशेंट को आपका नोजिया भी देखने को मिलता है, वॉमिटिंग भी देखने को मिलती है और यानी कि उल्टियां भी होने लगती है, पेनफुल मसल्स क्रैम्प्स, मसल्स के अंदर जो है वो आपका दर्द के साथ ऐठन होगी
और स्टिफनेस एट द स्टोमक, स्टोमक के ऊपर, स्टोमक में, शोल्डर में, बैक में, कमर पर जो है वो आपका वहां की मसल्स वगैरह जो है वो आपका स्टिफ हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी और बहुत ज्यादा पसीना आने लगेगा, प्रोफ्यूज स्वीटिंग होगी और फिर पूरी बॉडी के अंदर इचिंग पैदा हो जाएगी। वेरी सीरियस कब दिखाई देगा? वेरी सीरियस जो है जब दिखाई देता है, शुरुआत में देखेंगे कि इसका जो ब्लिस्टर है वो सेंटर से पेल होता है, लेकिन जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती है तो वो ब्लू टू ब्लैक कलर का होता चला जाता है। उसके बाद वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है, जख्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसके चारों तरफ की स्किन जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो ये इसकी सीवियरिटी को बताती है, यानी कि यहां पर जो है आप समझ सकते हैं कि अल्सर जो है वो बहुत सीरियस हो गया है। होम रेमेडी के तौर पर, यानी कि जब तक डॉक्टर अवेलेबल ना हो तब तक आप क्या करें, उस वक्त तक आप कुछ ऐसा करें ताकि जो है उसकी परेशानी थोड़ा कम हो जाए, यानी कि वॉश द एरिया विद माइल्ड सोप एंड वाटर, यानी कि साबुन से और आपका पानी से उस एरिया को 15 मिनट तक अच्छी तरह से वॉश कर दीजिएगा। उसके ऊपर जो है आप आइस पैक लगा सकते हैं या आइस जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तो उस एरिया को थोड़ा सा आप ऊपर उठा दीजिएगा, जहां पर बाइट हुआ है उस एरिया को थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिएगा, लेकिन उस एरिया पर स्क्रैच मत करिएगा, यानी कि स्क्रैच मत करिएगा, खुजाइएगा मत, खारिश मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से वो जो पॉइजन है वो और दूसरी साइड पर भी स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। ओवर द काउंटर एनाल्जेसिक्स आप ले सकते हैं, अगर परेशानी ज्यादा बढ़ रही है तो आप मेडिकल स्टोर पे जाके आप जो है एनाल्जेसिक लेके इस्तेमाल उसका कर सकते हैं। इसके अलावा घर में एलोवेरा जेल अगर है तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल अगर रखा है, नारियल का तेल अगर रखा है उसको भी आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। यहां पर ये ध्यान रखें, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डस्ट, डस्ट से उस जख्म को या उस जगह को सेफ रखना है तो उसको बचाना है। मिल्क ऑफ कैलोट्रोपिस, मदार का दूध या आंखें का दूध जो है उस साइड पर लगा सकते हैं जहां पर बाइट हुआ है, तो उसके पॉइजनस इफेक्ट को कम कर देगा। या आपका सॉफ्ट बेरी यानी कि रीठा जो आता है बाल धोने के लिए आता है, तो उसको पानी में घिस के उस साइड पर आप लगा सकते हैं, उससे भी स्किन प्रॉब्लम्स यानी स्किन रिएक्शंस जो एलर्जिक रिएक्शंस जो पैदा हुई है, स्वेलिंग जो पैदा हुई है, इचिंग जो हुई है, तो रेडनेस जो हुई है वो थोड़ा कम हो जाएगी और फिर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट, देखिए होम्योपैथिक एक्सपर्ट के मुताबिक जो बाइट्स है, जो पॉइजनस जो एनिमल्स या इंसेक्ट बाइट करते हैं, तो वहां पर एक बहुत बेस्ट मेडिसिन वो बताते हैं लीडम 200 के नाम से, जो जिसकी 4-5 ग्रेन्यूल्स जो है आप दिन में 4-5 मरतबा, या अगर ड्रॉप की शक्ल में है तो 2-3 ड्रॉप जो है वो आपका 4-5 मरतबा दिन में दीजिए, तो उससे भी इसके इफेक्ट जो है काफी कम हो जाएगा। और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए देखिए सबसे बेस्ट जो ऑइंटमेंट आता है इसके लिए, जिसके लिए क्रीम आती है, वो है आपका न्यूस्पोरिन। न्यूस्पोरिन को आप उस पर लगाइए, वो काफी तेजी के साथ उसकी स्वेलिंग्स को, इचिंग को कम करता है, रेडनेस को कम करता है। और अगर उसको बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है तो वहां पर एंटी हिस्टामिन और दर्द के लिए आप एनाल्जेसिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आज आपका लेक्चर, स्पाइडर बाइट यानी कि बकरी का काटना। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।